सर, एक तरफ आपने कल कार्यकारिणी की बैठक की और उसके बाद चिराग पासवान ने भी कार्यकारिणी की बैठक की, उसमें ये कहा गया कि पांचों सांसदों को निकाल दिया गया है, इसके बाद आपका पक्ष क्या है? देखिए, ये देश संविधान से चलता है, नियम कानून से चलता है, और देश का सर्वोच्च बॉडी पार्लियामेंट जो सभी निर्वाचित सदस्य वहाँ चुन के जाते हैं पूरे देश से, और उसके मुखिया माननीय वहाँ के लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। हम लोगों ने 5 सांसद मिल के माननीय अध्यक्ष जी को दिया कि पार्टी में काफ़ी असंतोष है, जो लीडरशिप है उस पर लोगों को अविश्वास है, इसलिए आप नेता परिवर्तन के लिए हम लोग आपसे आग्रह करने आए हैं, आप कीजिए। उन्होंने सभी लोगों की बात सुना, पक्ष सुना, और नोटिफिकेशन हो गया अध्यक्ष जी के द्वारा, सचिवालय से नोटिफिकेशन हुआ कि 6 सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के जो हम लोग हैं उसके नेता श्री चिराग पासवान जी अब नहीं रहे, श्री पशुपती कुमार पारा जी रहे। जब देश के संविधान का जो सर्वोच्च शक्ति है, सदन है, उसके द्वारा पशुपति कुमार पारा जी को सदन का नेता घोषित कर दिया गया, फिर आप कोई औचित्य नहीं है, कोई नियम नहीं है कि चिराग पासवान जी सांसद को सस्पेंड कर दें, और ऐसे भी ये नियम नहीं है यदि कोई सांसद यदि मान लीजिए दल विरोधी काम करता है या कुछ भी करता है तो उसको नोटिस दिया जाता है, नोटिस देने के बाद उससे जवाब मांगा जाता है कि भाई आपने दल विरोधी काम क्यों किया, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। चिराग पासवान जी के द्वारा जो कार्रवाई हुई है वो हताशा का परिचय है, और मैं इसको नहीं मानता हूँ, न तो देश का कानून मानता है, न सुप्रीम कोर्ट मानता है, न पार्लियामेंट की जो सचिवालय है वो उसको मानेगा। तो सांसदों को बिना नोटिस के निकाला ही नहीं जा सकता है, हास्यास्पद बता रहे हैं। चिराग पासवान ने जो कदम उठाया है पांचों सांसदों को पार्टी से बाहर करने का, उसको चाचा पारस। इस वक्त हमारे साथ रुपेश कुमार मौजूद हैं। पशुपति पारस की बातें आपने सुनी रुपेश, और आज अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं चिराग पासवान। सवाल ये है कि उनकी बास्केट में है क्या? देखिए, चिराग पासवान ने कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, बैठक की उन्होंने वर्चुअल, उसके बाद से ये दावा किया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 78 यानी कि 78 सदस्य हैं, जिसमें से 42 सदस्य उनके साथ वर्चुअल जुड़े हुए थे, मात्र 7 सदस्य जो हैं वो किन्हीं कारणों से टेक्निकली वो जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन उनका समर्थन उन्हें है, यानी कि 42 जो सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वो उनके साथ हैं, ये दावा कल वर्चुअल मीटिंग के बाद चिराग पासवान ने किया। ठीक, तो आज जो पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि उन्हें अधिकार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोजपा का जो संविधान है, जो आंतरिक लोकतंत्र है, हम लोगों ने कई बार देखा है, और रिसेंटली 2019 में 5 नवंबर 2019 को हाथ उठा करके रामविलास पासवान ने समर्थन करा दिया और चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, संसदीय दल के अध्यक्ष बन गए। लिहाजा लोजपा जैसी पार्टी में ये कहना कि क्या विधि सम्मत है, क्या पार्टी के संविधान सम्मत है, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बस वही होता था अब तक रहा है, रामविलास ने जो कह दिया वो सही न खाता न बही। लिहाजा यहाँ कानून की बात करना, आंतरिक जो पार्टी का संविधान है उसके तहत, हाँ जो संविधान कहता है पार्टी का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रुपेश, तब किसी की हिम्मत नहीं थी, रामविलास पासवान जब तक थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके लिए गए फैसले को चुनौती दे सके, लेकिन उनके जाने के बाद पार्टी में किस तरह से हालात बदले हैं, चाचा और भतीजा कैसे आपस में भिड़ गए हैं और भतीजे के खिलाफ कैसे मोर्चा खोल दिया है चाचा ने, वो हम सब देख रहे हैं। अब चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।